हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसकी जरूरत हर घर में पड़ेगी और ऐसा प्रोजेक्ट आपने शायद नहीं देखा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें आपके दो फायदे हैं। तो फ्रेंड, अगर जब आप वीडियो देखते तो आपके जो है कि आंखों के सामने रेड कलर की बटन दिखती है जिससे कि आपको आंखों को नुकसान हो सकता है, इसलिए आप उसको जब प्रेस कर देंगे तो जो है कि सब्सक्राइब बटन ग्रे कलर की हो जाएगी और उससे आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो फ्रेंड, फिर उसके बाद जो है कि एक घंटा का निशान आ जाएगा, उसको आप प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा जिससे जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें देखिए जो कपड़े में सोखता निकलता है उसका यूज करना है, जो पानी को सोख लेता है उसका यहाँ पे हम देखिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इस साइड का देखिए यहाँ पे कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा छोटा सा लेंगे गोल टाइप का, और यहाँ से हमें देखिए इससे जो है कि थोड़ा बड़ा हमें कट करना है। आप देख लीजिए, तो इतना हमें देखिए कट कर देना है। तो हम जल्दी जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको अब कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है कि इस तरह का 6 पीस यहाँ पे कट करना है। आप देख सकते हैं हमने 6 पीस को कट कर लिया है। अब हमें इसको जो है कि गोंद की सहायता से सभी को चिपका देना है। तो यहाँ आप देखिए हम गोंद को लगा ले रहे हैं, इसी तरह से आपको भी लगा कर पूरा अच्छे से देखिए सबको चिपका देना है। तो हम एक एक को जल्दी जल्दी चिपका के आपको फिर दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको जल्दी चिपका देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को चिपका लिया, आप देख सकते हैं हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। उसको धूप में रखने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए, तब तक हम एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेंगे छोटा सा, जो कि आप कट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक स्विच के लिए होल भी कर देंगे। तो और यहाँ पर हम देखिए एक गियर मोटर का यूज़ करने वाले हैं, तो इसका देखिए हम अभी लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर दो वायर लेंगे, आप जो है कि पाइप से थोड़ा बड़ा वायर लीजिएगा। और यहाँ पर हम दोनों वायर को सोल्डर कर देंगे और इसके अंदर से इसको हम निकाल देंगे। और देखिए इसके अंदर से निकालने के बाद हम इसके वायर को एक वायर को निकाल कर यहाँ से बीच से कट कर देंगे। और यहाँ से देखिए कट करने के बाद हम देखिए जो स्विच है उसमें हम सोल्डर कर देंगे एक एक वायर को। तो चलिए हम सोल्डर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया, जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ देखिए हमने इसको कर लिया, हम इसको जो है ग्लूगन की सहायता से अच्छे से चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ हमने इसको अच्छे से पूरा चिपका दिया, आप देख लीजिए। तो यहाँ आप देखिए हमने गियर मोटर को चिपका दिया है। अब हम इसी तरह से स्विच को भी चिपका देते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमने स्विच को भी इसी तरह से लगा कर चिपका दिया है। तो यहाँ आप देखिए हमने इसको पूरा कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम देखिए दोनों वायर को बाहर पीछे से निकाल देंगे। और यहाँ पर हम एक चार्जिंग मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा होता है उसी तरह से आपको कर देना। और यहाँ पे हम एक लैपटॉप की बैटरी का यूज़ करने वाले हैं। इसका देखिए B+ में हमें B+ को बैटरी प्लस को और B- में बैटरी के माइनस को जोड़ देना है। इसी तरह से हम आउट माइनस को भी जोड़ लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सोल्डर कर दिया है, तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो गियर मोटर है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब हमें देखिए इसको इस तरीके से जो हम इसके अंदर लगा देते हैं, बैटरी को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ आप देखिए इस तरीके से हम इसको लगा कर अंदर की तरफ रख देंगे। और यहाँ पे हम ग्लूगन की सहायता से देखिए हमें एक ऊपर इसका कवर लगा लेना जिससे कि पीछे से बंद हो जाए। तो यहाँ आप देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमने इस तरीके से चिपका लिया। अब हमें देखिए इसको पूरा बंद कर देना है पीछे से। तो इसको हम ग्लूगन की सहायता से अच्छे से चिपका लेंगे। आप यहाँ पर सुपर ग्लू का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ पर एक जो है कि पतली जो है कि एलुमिनियम वायर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पतला लोहा का कोई भी पतली छड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए हम इसको बेगुलूगन की सहायता से अच्छे से फिक्स कर देते हैं जिससे कि बाद में निकलेगा नहीं। तो हम देखिए इसे ले रहे हैं जिसे हमने धूप में रखने के लिए छोड़ा था, तो देखिए अच्छे से सूख चुका है। हम इसको देखिए इसमें चिपकाने वाले हैं। तो यहाँ आप देखिए हम प्लास्टिक सीट को इस पर रखेंगे और यहाँ पर ग्लूगन की सहायता से इसको जो हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो चलिए हम इसमें ग्लूगन जल्दी से लगा कर आपको चिपका कर दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी ग्लूगन लगा लेते हैं। और यहाँ आप देखिए हमें मजबूती से चिपकाना है कि ये निकले ना ही, बाद में निकल जाएगा तो बाद में दिक्कत होगी। और हम यहाँ पर देखिए एक छोटा पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पर बीच में छोटा सा होल कर देंगे। और यहाँ पर देखिए हम होल करने के बाद यहाँ पर ग्लूगन की सहायता से इसको अच्छे से चिपका देंगे जिससे कि बाद में निकले ना, इसे हमें जो है कि मजबूती से चिपकाना है। और यहाँ से हमें देखिए इससे जो है कि अभी हम आपको बताएंगे इसका क्या काम है। तो देखिए हम इसको अब इस तरीके से लगाकर यहाँ पे ग्लूगन की सहायता से भर देंगे। तो इसे जो है कि आपको बहुत ही मजबूती से भरना है कि बाद में निकलेगा नहीं काम करते समय। तो यहाँ आप देखिए अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देखिए इसको हमने बना लिया है पूरा अच्छे से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो
तो यहाँ आप देखिए, अब हम इसको चार्ज करेंगे, आपको चार्ज करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी लाइट जो ग्लो हो रही है, आपको शायद नहीं दिख पा रही होगी कैमरे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि लाइट जो है बहुत थोड़ा सा दिख रही है। यहाँ से देखिए चार्जिंग पिन के यहाँ से, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा है लेकिन अच्छे से चार्ज हो रहा है। चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसे थोड़ा पानी में भिगो देना है जिससे कि पानी को अच्छे से सोख ले, तब अच्छे से वर्क करेगा। तो फ्रेंड जो हमने बीच में देखिए छोटा वाला पार्ट लगाया था, जो छोटा पार्ट है उससे जो है कि मोटर में हमारे पानी नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं, जो कि उस छड़ के सहारे अंदर पानी नहीं जाएगा। तो और देखिए इस पर हम कुछ भी देखिए मिट्टी वगैरह साफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर गेट को पोछ रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ देखिए आप पानी इस पर लगा कर बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेबल या किसी भी चीज़ का, बेड या टाइल्स किसी भी चीज़ का यहाँ पर आप इससे जो है कि अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, और देखिए काफ़ी अच्छे से साफ भी कर देगी। तो यहाँ पे जो है कि इससे आपकी टाइम और सब काम जो है कि करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आपकी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी इससे, और आप इसे बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइल्स वगैरह, इसमें टाइल्स का जो पाउडर होता है उसका सब कुछ मिलाकर उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं टाइल्स वगैरह को। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को साफ़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे साफ़ भी हो जाएगी और आपको हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और ये बाद में चार्ज भी हो जाएगा जब बैटरी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बैटरी है काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है क्योंकि हमने इसमें अच्छी बैटरी का यूज़ किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से साफ़ कर दे रही है। इस तरीके से आप जो पानी ख़त्म हो जाता तो आप फिर से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो हमेशा इस चैनल पे मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।